इधर शीट तैयार हो रही है। हाँ ये सारी शीट्स पैक होके रेडी हैं, बस इनको बॉक्स पैक करना है। अब अच्छा ये लड़का जैसे मैंने आपको बताया था, वो निकलने के बाद इनकी फिनिशिंग होती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है वो लड़का यहाँ पे साफ कर रहा है। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये मशीन है शीट बनाने वाली बिल्कुल पूरी, बिल्कुल ठीक है। और वो जो उसके बराबर है वो कौन सी मशीन? वो भी इसी टाइप की मशीन है वो। सो गाइस अब हम आ गए ऊपर, ठीक है। सॉकेट कैसे बनते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद माल यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये देखो इधर फिट हो रहे हैं सॉकेट। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज हम आए हैं भाई फैक्ट्री में, यहाँ पर सुस सॉकेट और वायर भी बनती है। वायर तो मैंने दिखा दी पिछली वीडियो में आपको, आज मैं दिखाऊंगा आपको सुस सॉकेट कैसे बनता है और शीट कैसे बनती है। तो हमारे भैया हैं, ये बताएंगे इसके बारे में। आइए चलते भैया से बात करते। ये हमारे अवकाश भैया, यहाँ के ओनर हैं ये इन्हीं की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये बताएंगे सुस सॉकेट कैसे तैयार हो रहे हैं, आइए चलते हैं बात करते हैं। तो आकाश भैया ये कौन सी मशीन है? ये सेमी मशीन होती है, छोटे प्रोडक्ट्स को निकालने के काम आती है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे 15 एम्पर सॉकेट की प्लेट है, ठीक है। ये छोटा पार्ट होता है तो इन छोटी मशीन पे इजिली निकल जाता है, ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली आप देखेंगे एक पीस खुलेगा और वो गिर जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं करना है, बस इसके अंदर हम मटेरियल डालते हैं और ये बनके रेडी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद ये बाद में असेंबल होएगा और फिर ये डब्बे में पैक होके आप तक पहुंचेगा। मटेरियल यहाँ पड़ रहा है इधर, हाँ। इस मशीन के अंदर यहाँ पे मटेरियल डाला जाता है, ठीक और है। वो हीट होके जो मोल्ड होता है उसके हिसाब से शेप लेता है और फिर हमारे पास आ जाता है नीचे वाले में। जी ऐसे बनता ही है। हाँ जी हाँ जी। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तो फिर ये पार्ट वैसे ऊपर चला जाता है, इधर प्लेटें बन रही है जैसे बड़ी मशीनें हैं, ठीक है। इधर प्लेटें बनती हैं। यहाँ आप देखोगे कि जो बड़ी मशीन से बड़े पार्ट को बड़े प्रोडक्ट को बनाने के काम आती है। तो जैसे 12 मॉड्यूल की प्लेट का कवर है, ठीक है। इतने बड़े साइज की चीज के लिए हम ये मशीन को, ये सारी इम्पोर्टेंट मशीनें होती हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे यूज करते हैं और एक एक पीस इसके अंदर इस तरीके से निकलता और बनता है। बाद में इनकी फिनिशिंग होगी और ये भी कस्टमर के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो शीट भी ऐसे बनती है, ऐसे तैयार होती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये मशीन है शीट बनाने वाली बिल्कुल पूरी, ठीक है। और वो जो उसके बराबर है वो कौन सी मशीन? वो भी इसी टाइप की मशीन है, वो इससे भी बड़ी मशीन है। अच्छा, जब वो चलती है तो इससे भी बड़े हमारे पास, जैसे 12 मॉड्यूल की प्लेट है, 18 मॉड्यूल की प्लेट होती है वो इससे भी बड़ी होती है, ठीक है। इसके लिए और बड़ी मशीन का यूज होता है, ठीक है। सॉकेट और शीट बनाने वाली मशीनें हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ऐसे माल तैयार होता है, ठीक है। और ये इधर देखो पन्नी की पन्नी पैक होकर ऊपर चली जाती है, फिर इसके बाद मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा ये कैसे तैयार होता है, ठीक है। ये इसका दाना होता है जो मशीन का, मशीन में डलता है, ठीक है। शीट इससे बनती है, इस वाले दाने से ये दाना पिघलने के बाद और सॉकेट तैयार हो जाता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको दिखाया, वो उसमें डलता है ऊपर मशीन में। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, सॉकेट कैसे तैयार हो रहा है वो दिखाऊंगा मैं आपको। सो गाइस अब हम आ गए ऊपर, ठीक है। सॉकेट कैसे बनते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, उसके बाद माल यहाँ आ जाता है, ठीक है। ये देखो इधर फिट हो रहे हैं सॉकेट, वहाँ लाइन वाइज हम लगाते हैं ताकि उस पर स्क्रैच ना पड़े, ठीक है। और ये लड़के इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, उससे इसको फिट करते हैं, उसके बाद ये ऐसे पैक हो जाते हैं, डिब्बे के डिब्बे ऐसे पैक हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, ऐसे बनते हैं जी सॉकेट, आप देख सकते हैं। और इधर क्या हो रहा है? इधर स्विचेस पैक हो रहे हैं। अच्छा, ये स्विच है पूरा? हाँ जी, ठीक है। ये स्विच का डिपार्टमेंट है, इधर स्विच तैयार होते हैं। ये देखिए सारे स्विच तैयार हो रहे हैं, ये भैया कर रहे हैं। इससे घिसा भी जाता है ये बफिंग करी जाती है, इससे शाइन आता है प्रोडक्ट पे। अच्छा, तो इससे बफिंग करते हैं पहले, उसके बाद ये हाथ क्या पैक कर देते हैं। बफिंग और पैकिंग साथ में होती है ताकि फिर जो शाइन है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये पैक हो जाता है ये, उसके बाद ये डब्बे में इस तरीके से डब्बे में पैक हो जाएगा, इन पे लेबलिंग हो जाएगी कि इस डब्बे में क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऐसे तैयार होते हैं सॉकेट, आप देख सकते हैं। और इधर क्या हो रहा है? ये कुछ और बन रहा है, एमसी बॉक्स बन रहा है। हाँ, ये एमसी भी बॉक्स नहीं है, ओपन बॉक्स है। साधारण स्विच जो होते हैं उनको ओपनली फिट करने के लिए बॉक्सेस काम आते हैं, ठीक है। इन बॉक्सेस को हम वॉल में कहीं पे भी माउंट करके इनके अंदर स्विच और सॉकेट्स लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और इधर ये क्या बन रहा है? ये इंडिकेटर की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इंडिकेटर बन रहा है, ठीक है। और इधर शीट तैयार हो रही है? हाँ, ये सारी शीट्स पैक होके रेडी हैं, बस इनको बॉक्स पैक करना है अब। अच्छा, ये लड़का जैसे मैंने आपको बताया था, वो निकलने के बाद इनकी फिनिशिंग होती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है वो लड़का यहाँ पे साफ कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद इधर शीट बनने के बाद ये तैयार करके पैक करके में करके ऊपर गोदाम में चला जाता है। ये हाँ ये इस सिचुएशन में यहाँ पे पैक हो जाता है, उसके बाद ये बॉक्स पैकिंग के लिए चला जाता है। और ये देखिए कितनी फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है ये देखो कितनी फिनिशिंग आई है, ऐसे तैयार होता है। ये 12 मॉडल की शीट है, ठीक है। ये भैया काफी सस्ते रेट में दे देंगे आपको, कहीं भी आप दुकानदार से लोगे उससे आधे से आधे रेट में यहाँ पर माल मिल जाएगा। यहाँ से आके ले सकते हो आप डायरेक्ट होलसेल से, फैक्ट्री से माल उठा सकते हो भैया के यहाँ से, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, भैया ने बताया था सारा कुछ, ठीक है। सो गाइस जैसे कि मैंने अभी नीचे आपको दिखाया, सारी शीटों की तैयारी, सारी शीटें नीचे बन रही हैं, आपने देखा मशीनों से तैयार हो रही थी, उसके बाद माल यहाँ आ जाता है, सारा पैक हो जाता है डिब्बों में, ठीक। ये देखिए पूरी फैक्ट्री के अंदर भैया की यहाँ आ जाता है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप फिनिशिंग से शीट कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार होकर आ गई है, ठीक है। ये देखिए दो मॉडल की है, ये देखिए आप 18 मॉडल की शीट है, कितनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। उसके बाद 6 मॉडल आ गई है, देखिए ये सारी शीटें जो होती हैं, ये सारी शीटें जो हैं कलर वाइज हैं, कलर वाइज है। ये देखिए कलर वाइज शीट सारी भैया के यहाँ काफ़ी बढ़िया बढ़िया शीटें हैं, ये देखो, ठीक है। ये सारी शीट तैयार होकर ऊपर आ जाती हैं, तो यहाँ से माल आप उठा सकते हो भाई होलसेल में, ठीक है, और अपनी शॉप शुरू कर सकते हो, सारा माल ले सकते हो यहाँ से। ये जो फैक्ट्री है भवाना में पड़ती है, इंडस्ट्रीज एरिया है ये, यहाँ पर आप आओ और आके भी ले सकते हो माल और ऑनलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पूरा एपी के नाम से भैया का आ जाता है, सारा होलसेल रेट का माल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ लोकल दुकान से लोगे उससे आधे से आधे रेट में यहाँ पर माल मिल जाएगा, और यहाँ से लेकर आप अपनी शॉप शुरू कर सकते हैं भैया। ये देखो क्वालिटी, देखो क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी भैया की, देखो इनका खुद की मैन्युफैक्चरिंग है एपी के नाम से, यहाँ आओ आप और ले सकते हो। ये उनका ऑफिस है, ये देखो सब, ठीक है, सब देख सकते हैं। सो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाई। आज की वीडियो में हमने आपको शीट स्विच सॉकेट कैसे बनते हैं ये दिखाया, ठीक है। तो भाई हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लगा, जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।